नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि फोटोशॉप में एक्शन को कैसे क्रिएट करें। जैसे कि दोस्तों आप जो है अपने एडोब फोटोशॉप में जो है अपना एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं और आप जो है अपना एक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि वन क्लिक में आप 12 फोटो या 6 फोटो पासपोर्ट साइज की कैसे बनाएं, जैसा कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आपको पासपोर्ट साइज की फोटो वन क्लिक में बनाना है। जैसा कि मैं एक फोटो यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको एक सेंटर में रख देता हूँ और उसके बाद में आप शिफ्ट के साथ में F2 या F3 आप जो भी सेट किए होंगे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपका फोटो रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन क्लिक में जो है 12 फोटो बनके रेडी हो चुका। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप एक न्यू पेज लेते हैं और उसके बाद में फोटो को इस पे ला के रखते हैं और रखने के बाद में आपको शिफ्ट के साथ में F2 प्रेस करना है और ये देखिए आपका फोटो जो है आपके सामने आपके कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप में बन के रेडी हो चुका है। आप किस तरह से जो है इस एक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से जो है आप इस एक्शन को क्रिएट करेंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। जैसा कि आप बहुत ही आसानी तरीके से आप खुद से ही अपना एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों एडोब फोटोशॉप में एक्शन क्रिएट करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए वन क्लिक में 12 फोटो, 3 फोटो, 6 फोटो, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। जैसा कि मेरा एडोब फोटोशॉप 7.0 है, आपका जो भी हो आप अपना ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर एक न्यू फोटो ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो आप किस तरह से जो है अपना न्यू फोटो ओपन करेंगे। आपको जाना है फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन शो होकर आ जाएगा, वो ओपन पे क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा कंट्रोल ओ, आप कंट्रोल ओ करके भी जो है ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद में आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आपका फोटो रखा होगा आप अपना फोटो चूज कर लीजिएगा और उससे चूज करने के बाद में आप ओपन पे क्लिक करना है। और ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके एडोब फोटोशॉप में ये फोटो जो है ओपन होके आ जाएगी। अब दोस्तों ये फोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है तो आपको सबसे पहले इसको कर लेना है क्रॉप। तो आप क्रॉप किस तरह से करेंगे, यहाँ पर क्रॉप टूल होगा, आपको क्रॉप टूल को लेना है। तो यहाँ पर आपको वेट, हाइट और रिजोल्यूशन को यहाँ पर सबसे पहले आपको जीरो कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है और जीरो करने के बाद में आपको अपने हिसाब से यहाँ से क्रॉप कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर क्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना क्रॉप करना चाहें आप उतना यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा। और क्रॉप करने के बाद में आपको एंटर कर लेना है और एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फ़ोटो क्रॉप हो चुका है। तो दोस्तों आप इस फोटो को आपको कुछ साफ़ करना है, जैसा कि क्लीन करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो आपको कंट्रोल एल करना है। और कंट्रोल एल आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कुछ ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए ऑप्शन शो हो के आ रहा है, तो आपको इसको यहाँ से बढ़ा लेना है। और उसके बाद में आपको कंट्रोल एम करना है और एम करने के बाद में आपको यहाँ से इसको बढ़ा लेना है। और बढ़ाने के बाद में आपको ओके कर देना है, एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद में आपको कंट्रोल यू करना है और यू करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ येलो यहाँ पर खिसका देना है इस साइड, प्लस में प्लस 4 कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको इमेज पे आना है और एडजस्टमेंट पे आना है और सेलेक्टिव कलर पे आना है, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले ब्लैक वाला ऑप्शन यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सेलेक्ट होगा, तो आपको रेड पे क्या करना है, यहाँ से ब्लैक को इस तरह से खिसका देना है और लगभग -25 यहाँ पर कर देना है। और उसके बाद में अब आपको यहाँ से येलो को चूज़ करना है, येलो कलर को, और येलो कलर का चूज़ करने के बाद में आपको इसको भी 25 यहाँ से कर लेना है। और 25 करने के बाद में अब आपको ओके पे क्लिक करना है। और ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह का क्लीन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है कुछ इस तरह का क्लीन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको कंट्रोल एन करना है और एन करने के बाद में यहाँ पर आपको 4:6 का एक पेज ले लेना है। जैसे कि आप 4:6 में 4 फोटो या 6 फोटो या 12 फोटो बनाना चाहते हैं तो आपको 4:6 का एक पेज लेना है। और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है और आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। और ये न्यू पेज अगर मान लीजिए आप कंट्रोल एन करके नहीं ला पा रहे हैं तो आपको फाइल पे जाना है और फाइल पे इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन शो होके आ ही जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल एन भी लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस फोटो का पहले साइज देना है। किस तरह से आपको साइज देना है, आपको क्या करना है, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इमेज साइज पे जाना है, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वेथ जो है लिखा होगा 528 लिखा है लगभग आपके में जो शो हो रहा हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 365 कर देना है। आपको 365 करके सिंपली ओके पे क्लिक करना है। आप 365 करके ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनके रेडी हो चुका है। अब आपको इस फोटो को यहाँ पर लाके रख देना है, यहाँ पर फोटो रख दिए। अब आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अब आपको एक्शन को कैसे क्रिएट करना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्शन का यहाँ पर ऑप्शन शो हो के आ रहा है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में नहीं शो हो के आ रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से मान लीजिए शो हो के नहीं आ रहा, तो आपको किस तरह से यहाँ पर लाना है एक्शन फाइल को, आपको किस तरह से जो है एक्शन फाइल को यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर आपका विंडो का ऑप्शन शो हो के आ रहा होगा, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्शन का ऑप्शन शो हो के आ जाएगा, तो आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्शन वाला ऑप्शन शो हो के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो एक्शन बनाया है, मैंने सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस एक्शन को मैंने यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद में अब आपको किस तरह से न्यू एक्शन बनाना है, क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो एरो की तरह यहाँ पर शो हो के आ रहा है इस कोने में, जैसा कि क्लोज बटन के जस्ट नीचे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि दो एरो यहाँ पर शो हो के आ रहा है। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा न्यू सेट, तो आपको सिंपली न्यू सेट पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको सेट का नाम यहाँ पर डाल देना है, जैसा कि आप डाल देते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको इस पर डाल देना है, जो भी अपने हिसाब से डाल सकते हो आप अपना यहाँ पर डाल दीजिएगा। नाम आपको क्रिएट करना है, और नाम आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा, और क्रिएट करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एक सेट तैयार हो जाएगा। अब आपको फिर से उसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में अब आपको न्यू एक्शन पे जाना है। आपको न्यू एक्शन पे यहाँ पर एक न्यू एक्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आपको न्यू एक्शन पे सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर एक्शन का नाम भी दे दीजिएगा, जैसा कि वन क्लिक, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं वन क्लिक एक्शन। आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, और सेट में जो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट होके आ ही जाएगा। मान लीजिए नहीं आता तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और उसके बाद में अब आपको फंक्शन की को यहाँ से चूज करना है, जैसा कि यहाँ पर नन लिखा होगा तो आपको नन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर F2, F3, F4, F5 यहाँ पर जो भी आपको सिंपल लगे आपको उसको चूज करना है, जैसे कि मैंने F2 यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ से आपको शिफ्ट या कंट्रोल को चूज़ करना है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। तो आप रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक्शन जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपना फ़ोटो निकाल के बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको निकालना है। आप अपने जो है कीबोर्ड में आल्ट प्रेस किए रहेंगे, और उसके बाद में आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आपको यहाँ से फ़ोटो को ऐसे निकालते जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो जो है किस तरह से निकल रही है, आपको धीरे धीरे इसे निकाल के सेट करते जाना है, और जितना फ़ोटो का आप एक्शन बनाना चाहते हैं आप उसी तरह से इतना फ़ोटो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसी तरह से जो है आप अपना फ़ोटो सेट करते चले जाइएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 12 फ़ोटो यहाँ पर बना के रेडी कर दिया है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक्शन को कर देना है स्टॉप। यहाँ पर एक स्टॉप का ऑप्शन शो हो गया रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉप प्लेइंग का ऑप्शन शो हो गया रहा है, तो आपको स्टॉप पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा, और आपका एक्शन बन के रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, आपको सिंपली इसको क्लोज करना है सबसे पहले, और क्लोज करने के बाद में आपको एक न्यू पेज फिर से ओपन करना है, जैसा कि कंट्रोल एन करेंगे, और उसके बाद में 46 से यहाँ पर पेज लेंगे, और उसके बाद में ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में सबसे पहले इस फोटो को आपको यहाँ पर ला के रख लेना है इस न्यू पेज में, ऐसे आप रखेंगे। और रखने के बाद में अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में F2 दबाना है, जैसा कि आप जो भी सेट किया हो अपना यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने F2 सेलेक्ट किया था, तो मैं जो है शिफ्ट के साथ में F2 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 फोटो बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से वन क्लिक में ही 12 फोटो बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आपको 12 फोटो बनाना है। जैसे कि आपको न्यू पेज लेना है, और न्यू पेज लेने के बाद में आपको अपना फ़ोटो सबसे पहले साफ वाफ करके क्लीन करके आपको इस न्यू पेज में ला के रख लेना है, तभी आप एक्शन क्रिएट करना स्टार्ट किए थे ना, तो यहीं से जो है आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में F2 प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड में आप जो है शिफ्ट के साथ में F2 जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो है 12 फ़ोटो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो 12 बन के रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से अगर 6 फ़ोटो बनाना चाहें, या 9 फ़ोटो बनाना चाहें, या 3 फ़ोटो बनाना चाहें, तो आप जो है एक्शन क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपके पास दुकान है तो आप इसी तरह से जो है 6 फ़ोटो का, 9 फ़ोटो का और 3 फ़ोटो का एक्शन बना लीजिएगा, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे कि एडोब फोटोशॉप में जो है एक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, न्यू एक्शन कैसे बनाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।